इसराइल कभी भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है, यह दावा इसराइल के प्रधानमंत्री रहे एहूद बराक ने किया है। यही नहीं, एहूद बराक ने यह भी दावा किया कि इसराइल के निशाने पर सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकाने ही नहीं है बल्कि और कुछ भी है। विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया के देशों को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसे देश को चुना है जो बदला लेने के लिए कुख्यात है। जिसका मारा पानी तक नहीं मांगता और वॉर एक्सपर्ट कहते हैं कि एक बार फिर इसराइल वही करेगा जिसके लिए वो मशहूर है, यानी खुद पर हुए हमले का बदला। बदला और सिर्फ बदला। इसराइल पर ईरान का ये हमला कब होगा? इसराइल अपना ये बदला कब लेगा? हो सकता है इसकी तारीख भी इसराइल ने मुकर्रर कर ली हो। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट शुरू। इसराइल के निशाने पर ईरान की एटम साइट। क्या बड़ी तबाही आने वाली है? ईरान और इसराइल के बीच हर गुजरते दिन के साथ साथ अब हालात खराब होते जा रहे हैं। करीब 200 मिसाइलों से इसराइल पर हमला करके ईरान ये बता चुका है कि वो क्या कर सकता है। लेकिन इसराइल ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, यानी इसराइल का बदला अभी बाकी है। और अब इसराइल के पूर्व पीएम का बयान पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके एहूद बराक ने दावा किया है कि इसराइल ईरान के तेल उद्योग पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला कर सकता है। इसराइल उसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित सैन्य लक्ष्य पर प्रतीकात्मक हमला भी कर सकता है। तो क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपनी मिसाइलों का टारगेट नेतन्याहू ने लॉक कर दिया है? इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक के इस बयान के बाद से दुनिया के तमाम देश बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर इसराइल ने ईरान की परमाणु साइटों को निशाना बनाया तो बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि जहां से बात को संभालना फिर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और इसका सीधा सा मतलब होता है तीसरा विश्व युद्ध, जिसके बाद कितने लोग मारे जाएंगे इसके बारे में कोई भी अंदाजा तक नहीं लगा सकता। एहूद बराक ने विदेशी मीडिया द गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया है। इसी इंटरव्यू में इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का गुस्सा जुबान पर आ गया। एहूद बराक ने यह भी कहा कि इसराइल के लिए प्रतिक्रिया देना बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि धरती पर कोई भी संप्रभु राष्ट्र प्रतिक्रिया देने में विफल नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है और इसे एक से ज्यादा बार दोहराया जा सकता है। यानी इसराइल बदला लेगा और जरूर लेगा।
इसराइल पर हुए ईरानी हमले के बाद अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है कि पूरा इसराइल बेहद गुस्से में है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसराइल खुद पर हुए हमले का बदला ना ले, और इसीलिए बाइडेन भी ईरान इसराइल के बीच तनाव पर सोच समझकर ही बोल रहे हैं। ईरान इसराइल के बीच तनाव को लेकर G7 देशों ने एक आपात बैठक भी बुलाई थी। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इसराइल के साथ हैं, लेकिन अगर इसराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या इसराइल ईरानी तेल के अड्डों पर हमला करेगा, तो सुनिए बाइडेन ने क्या कहा। We're discussing that. I think that would be a little anyway. लेकिन नेतन्याहू अड़े हैं कि ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी ही होगी। אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक एक बात तो साफ हो चुकी है कि इसराइल बदला लेगा और जरूर लेगा, लेकिन अभी वो लेबनान में हिजबुल्ला के साथ उलझा हुआ है, इसीलिए इसराइल के काउंटर अटैक में देरी हो रही है। अब इसराइल के उन परमाणु अड्डों को देख लीजिए जिनका टारगेट इसराइल लॉक कर चुका है। पहले हसन नसरल्ला और हिजबुल्ला का नया चीफ, यानी साफ है कि इसराइल की सेना पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्ला को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। इसराइल की इस बारूदी कार्रवाई से हिजबुल्ला सदमे में है, क्योंकि एक के बाद एक उसकी टॉप लीडरशिप को इसराइल की सेना मौत के घाट उतार रही है। डाला हिजबुल्ला का नया चीफ। महज 6 दिन के अंदर हिजबुल्ला के 2 चीफ मारे जा चुके हैं। आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत कैसे हिजबुल्ला के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। 32 साल तक हिजबुल्ला का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरल्ला 27 सितंबर को उस वक्त मारा गया जब वो एक इमारत के नीचे बने बंकर में ईरान और हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। नसरल्ला करीब 60 फीट नीचे एक बंकर में मौजूद था जिस वक्त उसे मारा गया। नसरल्ला के मारे जाने के 2 दिन बाद उसके ममेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्ला का चीफ बनाया गया, लेकिन चीफ बनने के महज 4 दिन के बाद इजरायली सेना ने उसे भी मार डाला। इन 2 तस्वीरों से साबित होता है कि लेबनान में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां इजराइल हमला ना कर सके। हिजबुल्ला के लड़ाके और टॉप कमांडर इस वक्त ना तो जमीन के नीचे बंकर में सुरक्षित हैं और ना ही जमीन के ऊपर किसी इमारत में सुरक्षित हैं। इजराइल चुन चुन कर हिजबुल्ला के चीफ को मार रहा है। हम आपको बताते हैं कि हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन बेरूत में कैसे मारा गया। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक एक खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने 3 अक्टूबर को दक्षिणी बेरूत में जोरदार मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना को पता चला था कि हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्ला के बचे हुए टॉप कमांडरों के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा था। जैसे ही हाशिम सैफुद्दीन गुप्त बंकर में मीटिंग के लिए पहुंचा, तब इजरायली वायुसेना के F-35 जेट ने बेरूत में मौजूद इमारत पर हमला कर दिया। इजरायली दावों के मुताबिक
इजरायली वायुसेना ने F-35 फाइटर जेट से इस इमारत के नीचे बने बंकर पर एक के बाद एक 11 मिसाइलों से हमला किया। इजरायल के इस भीषण हमले में हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन मौके पर ही मारा गया और महज 6 दिन के अंदर ही नसरल्ला के बाद हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मार दिया गया। השלב הבא במלחמה נגד חיזבאללה יתחיל בקרוב, וזה יהווה גורם משמעותי בשינוי המצב הביטחוני ויאפשר לנו להשלים את החלק החשוב של החזרת התושבים לבתיהם. את זה אנחנו נעשה, וכמו שאמרתי כאן לפני חודש, אנחנו נעביר את מרכז הכובד. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स ने खौफनाक प्लान के तहत हिजबुल्ला का सफाया पूरी तरह से करना शुरू कर दिया है और महज 2 हफ्ते में ही इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने हिजबुल्ला की रीढ़ तोड़कर रख दी है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक अब तक हिजबुल्ला के 21 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक हिजबुल्ला में इस वक्त इसराइल से भीषण जंग कैसे करनी है, इसका फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमांडर हिजबुल्ला में बचा नहीं है।